अच्छा तो अभी मैं इसको ना, ये कुछ ज्यादा पक गया, मैं इसकी मोटी लेयर निकालती क्योंकि ऊपर की लेयर बहुत टाइट होगी, अंदर सॉफ्ट है, ठीक है। करते तो आपको देखने मिल जाता था, समझ में। कल बताते हैं उसका बिस्कॉफ के बारे में, कल अगर आप लोग बोलते होंगे तो उसका केक भी बना लेंगे। अभी ट्रफल चॉकलेट केक जब बना रहे हैं तो ये अपने पास है चॉकलेट स्पॉन्ज, ठीक है। चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने पहले से बेक करके रखी थी, अभी मैं इसको इसके ऊपर एक गनाश की लेयर लगा के, हम तीनों में एक एक गनाश की लेयर लगा के इसको फ्रीजर में या फ्रिज में सेट करेंगे। फ्रिज में ही सेट करो 5-7 मिनट के लिए, फिर दूसरी लेयर, देन तीसरी लेयर। वैसी सेम चॉकलेट गनाश है तो मेरे को और लगेगा, ये हमारा गनाश, थोड़ा मोटा मोटा काट दे चाकू से, ये हमारा गनाश, इसके ऊपर इसकी लेयर लगा देंगे। ऐसे नहीं जाना है, वो लिक्विड एक्चुअली गर्म है, केक भी हल्का गर्म है तो वो लिक्विड निकल ना जाए करके मैंने टेढ़ा हाथ करके कर लिया। अभी देखो ये ऐसे वैसे ही चला है, ये एक लेयर में लगा है, तीनों लेयर में लगा के तीनों लेयर को अपन थोड़ी देर के लिए सेट करेंगे फ्रिज में, अलग अलग तभी लेयर लगा पाएंगे, नहीं तो फिर सेट एकदम गनाश लगाना पड़ता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लगाना। ठीक है, ये तीसरी लेयर होगी, एक डायल लगा के भी बड़ा वाला, तीन डायल मेरे को इतना धीरे काटना पड़ता है क्योंकि ये केक गर्म है, ठीक है। टूटने का बहुत डर होता है, अभी आप लोगों से कटवाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। इसको क्लीन कर हमेशा पहले, वो सब बाद में करना, पहले इसको क्लीन करना होता है। इतना टेस्ट का फर्क पड़ जाता है ऑफिस, हाँ, और अच्छा लगता है टेस्ट। चलिए तब तक मैं आपको ना कॉफी केक की फीलिंग कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। अभी अपन ने बनाया व्हाइट गनाश, व्हाइट गनाश जो बना कर रखे, ये तो रेडीमेड आती है, ठीक है, रेडीमेड भी यूज करेंगे और उसका भी टेस्ट सेम ही आता है, थोड़ी इसको गर्म करना पड़ेगा बहुत टाइट होता है। तो ये जो गनाश है कुछ नहीं करना है आपको, कॉफी पाउडर लेना है और कॉफी जो बीन आते हैं उसको मिक्सी करना है, यानी पीसना है, थोड़ा पीसने के बाद उसको छानना है, छानने के बाद जो उसके चंक्स बचेंगे ऊपर जो मोटे वाले वो अलग रखना है, और कॉफी का जो पाउडर है उसको नहीं डालना है, अपना नॉर्मल जो कॉफी जो अपन ने इसमें डाले वो कॉफी इसमें मिलाना है, चंक्स मिलाना है, थोड़ा सा बटर डालना है। तो समझ लीजिए अगर ये 400 ग्राम हमने लिए थे चॉकलेट, है ना, 400 ग्राम लिए थे, तो इतना अगर गनाश है तो आपको 8-10 बीन्स लगेंगे, 10-12 बीन्स ले लीजिए, कड़ू होती है, उसको मिक्सी कर लो, थोड़ा उसको छानो, उसके चंक्स अलग रखो, और जिसका पाउडर है वो भी यूज कर सकते हैं, मगर वो कड़वा बहुत होगा। ये फिल्टर कॉफी रहती है उतनी कड़वी नहीं, जितना ये बीन्स डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो जो अपनी नॉर्मल कॉफी है उसका पाउडर डाल देंगे, तो समझ लीजिए आपको 1 टेबलस्पून बटर डाल देना है, चंक्स डाल देना है, और इसमें थोड़ा सा बटर, लिटिल बिट, समझ लीजिए 50 ग्राम से भी कम, 25 ग्राम बटर को जब अपन गनाश बना रहे हैं तभी आप बटर मिक्स कर दो, जब गरम गरम गनाश रहता है उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करने के बाद आप चखो। अभी वो मैं डाल रही हूँ, ये ना तो मैं भी वेट करना पड़ेगा, हो जाएगा माइक। अभी जो फीलिंग है इसमें थोड़ी सी क्रीम मिलाएंगे क्योंकि पतली रहेगी, अच्छे से स्प्रेड होगी, थोड़ी सी हम क्रीम मिलाएंगे। तो जो हम गनाश के साथ बनाएंगे
वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही बनती है। और आपको देख पानी गर्म हो गया, अभी दे थोड़ी सी इसमें कॉफी मिक्स कर देंगे। हेज़लनट को गर्मी ठंडी से कोई लेना देना नहीं है, उसको वो ऐसे ही रहता है। अच्छा लगा था उसका टेस्ट, उसका टेस्ट अच्छा था। कल सोनिया का बर्थडे हुआ, देखे थे ना सबने, इंस्टा पे भी गया बर्थडे देखे आपने अपना बर्थडे? मम्मी को भी दिखाई होगा। अरे तूने क्यों केक काटी? बर्थडे बना रहा है। केक सीख रहे तो बर्थडे नहीं बोलना। आज जय श्री का है ठीक है। देरी से चालू भी होता है ना हमेशा, फिर भी हमने दो का टाइम रख लिया तो तब जाके फिनिशिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ये देखिए तिरंग की फीलिंग ऐसी आती है, थोड़ी क्रीमी रहती है, इसमें भी कॉफी मिक्स होती है। ठीक है, ही फ्लेवर आता है ये फीलिंग। जब हम जैसे हमारी लेयर है, लेयर के ऊपर हमने एक, अगर हमको सिर्फ तिरामिसू बनाना है, हमको व्हाइट क्रीम लगाना है, उसके ऊपर ये तिरामिसू हल्के हाथ से ऐसे स्प्रेड करना है। मान लो जी ये क्रीम है, क्रीम के ऊपर हमको ऐसे ऐसे लगाना है। ठीक है, क्रीम के ऊपर लगाने के बाद दूसरी लेयर रखेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर तिरामिसू फिलिंग ऊपर से ऐसे कवर करेंगे। सेम प्रोसीजर चलते, जैसे हम अभी हमने फिलिंग लगाई, जैसे इसकी फिलिंग की है, इसको हमने ब्रेड में लगाया, उसको हम क्रीम पे लगाएंगे, बस यही फर्क है। ठीक है, अब मैं इसको एक क्रीम से कवर करके इसके ऊपर फिर मैं तिरामिसू की एक फिलिंग बताती हूँ, डिजाइन वाला बता सकते। हाँ हमेशा ये धो के दे, दूर बैठे थे, दूर बैठे तो केक तो पास आया हुआ नहीं है आपने, तब से खाने का काम पानी कम हो गया आप मेरे वो तो मैं दी ना आपको। मास्क क्यों लगा है? जा मोटर चल रही है, कहाँ से करती है? एकदम स्ट्रेट जाना, थैंक यू। मैं क्या कर रही हूँ, सी सॉ, ये देख रहे हैं आप, कहाँ देख रहे हैं? केक को देख रहे हैं, मेरे हाथ को देख रहे हैं? देख रहे हैं, बोल दियो करके बोले हाथ को, नहीं तो बोलते थे ना हम केक देख रहे हैं। बनाइए अब ये देखना है, कल तुबा बनाएगी, अर्शिया बनाएगी, इसलिए देख के रखो। हाँ
जैसे सोनिया ने माइंड गेम खेले थे ना, वैसे माइंड में प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं? यस। कल का केक जैसे लेके भागी थी मैम, पूरा दे दो मेरा छोड़ेगा तो मैं तो पूरा लेके भागूंगी। चल अभी स्क्रैपर जहाँ है वहीं टर्न टेबल घूम रहा है। टर्न टेबल स्पीड से घुमाना है, हाथ जहाँ है वही है, हाथ मेरा हिल ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम हाथ भी घुमा रहे हैं, हाथ नहीं घूम रहा है, ठीक है? और आप इसको जितना प्रेशर देके दबा के रखेंगे उतना क्रीम बाहर आएगी। आप इसको हल्का रखो बस ऐसे, ये देखो हल्का हाथ से मेरा ये, और इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है? अब जब हम इसको हटाते हैं ये पैलेट स्क्रैपर को ऐसे हाथ रोक के हटाएंगे तो वहां पे निशान आ जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो ऐसे नहीं, वहीं से अंदर लो, छलनी दे दे बड़ी छोटी, छोटी सी स्टील वाली चाय वाली। हाँ ठीक है, इसको डाल देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा महंगा होता है तो क्वांटिटी कम ही डालिए तो अच्छा है। हाँ हल्के हाथ से करना है, आप जितना हाथ को टाइट करोगे ये स्प्रेड नहीं होगा, क्रीम भी आते जाएगा उसमें, ठीक है? तो आप बिना तिरामिसू के भी बना सकते हैं, ऊपर से बस कुछ नहीं करना है आपको, क्रीम में थोड़ी सी कॉफी मिला देंगे और कवर कर देंगे, हो गया। या फिर आपके पास जो कॉफी फिलिंग है वो आप क्रीम में मिला दो, हो जाएगा। एक कटोरी दे और इसके शेल बना दो। ये कल बनाए थे ना? हाँ। किसका अच्छा बना था? सबको एक एक अच्छा बना प्रैक्टिस करके। समझ में आया? डाल दे मिठाई।